अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज है जुम्मतुल मुबारक और आज मैं आया हूँ बेसिकली एक लास्ट मस्जिद को चंदू में कवर करने के लिए जो कि छूट गई थी। बेसिकली ये अभी जो है वो अंडर रेनोवेशन है, तो पता नहीं था कि यहाँ पे जुमा हो रहा है और रेनोवेशन की वजह से थोड़ा बहुत सुनने में आ रहा था कि शायद बंद भी है, लेकिन अभी जो मुझे पता लगा है कि यहाँ पर एक अंदर ही जो है ना वो इसका जो हॉल है वो भी है तो अंडर रेनोवेशन है, लेकिन वहाँ पर जुमा वगैरह हो रहा है। तो ये जो मॉस्क है आपकी मस्जिद है, ये चंदू की सबसे एंशियंट मॉस्क है जो अभी अंडर रेनोवेशन है और जिसमें अभी काम लगा हुआ है। तो इसका आज आपको सर्वे करवाएंगे यहाँ जुमे का, तो बहुत ही खूबसूरत मॉस्क है। ये पीछे जो देख रहे हैं ये इसका मेन गेट है, ये बेसिकली आपकी मेन सिटी के पास पास आती है जिसके आस पास काफ़ी शॉप्स हैं जिसका आपको रिव्यू हम करवाएँगे जुमे की नमाज के बाद। रेनोवेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ मस्जिदों में। ये बेसिकली यहाँ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है या मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं उनको भी यूज़ करते हैं और उसी के साथ नई चीज़ों को यूज़ करके इसको जो है ना रेनोवेट करते हैं ताकि एक मस्जिद का जो एक एंटीक लुक है वो ख़त्म ना हो। तो ये मस्जिद अब एक तरह से कुछ काफ़ी पुरानी है, मुझे एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कितनी है, लेकिन इस मस्जिद में हम लोग नमाज़ पढ़ने आया करते थे। ये मस्जिद मशहूर इस वजह से कि इसके आसपास गोश्त की दुकानें हैं और उसके अलावा कुछ मुस्लिम रेस्टोरेंट्स वगैरह जहाँ पे हम लोग खाना शाना खाते थे। तो खाना वगैरह खाने के लिए जो है ना डम्पलिंग्स वगैरह और इस तरह बीफ वगैरह तो यहाँ पर बड़ा मशहूर था। तो अभी तो ये रेनोवेशन की प्रोसेस में चल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद में आया, यही मस्जिद जो रह गई थी वो मैंने मिस की हुई थी, लेकिन मुझे जब पता लगा कि यहाँ पे जुम्मे की नमाज़ हो रही है तो मैंने कहा क्यों ना चंदू छोड़ने से पहले यहाँ पे हम आपको इस एंटीक मस्जिद का जो है ना वो सर्वे वगैरह करवाएँ। अच्छा, तो ये इस मस्जिद के बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम्स हैं जो आपको चिकन वगैरह आपको हलाल जोंगजी जो क्योंकि ड्रैगन बोट फेस्टिवल चल रहा है तो वो चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी यहाँ पे। ये मस्जिद का गेट है बेसिकली और ये इसके पास पास शॉप्स हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। तो ये शॉप्स हैं यहाँ पे मुस्लिम हलाल शॉप्स है। यहाँ के सबसे मशहूर तो वैसे यहाँ पे ये डम्पलिंग्स वगैरह जो ये ज़्यादातर लोग खा रहे हैं, ज़्यादातर लोग यही खाने आते हैं यहाँ पे, और फ़ोन काटने के बाद हम भी हो सकता है यहाँ पे यही खाना खाएं। तो ये सारे हलाल रेस्टोरेंट हैं और वाह ज़बरदस्त, यहाँ पे ये समोसे वगैरह भी मिल रहे हैं और ये नान वगैरह भी मिल रहे हैं। सब कुछ हलाल नहीं लग रहा ये वाला जो है शायद, हाँ ये वाला नहीं है हलाल काउंटर जो है। तो इस मस्जिद में ज़्यादातर हम लोग इस वजह से आते थे कि यार यहाँ पे जो है ना आपको हलाल मीट वगैरह मिल जाता था। अस्सलाम वालेकुम बाजी सीतान। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे हम लोग आया करते थे ये वीडियोस बनाने के लिए। तो ये अब यहाँ पे इस मस्जिद का व्यू है, काफ़ी लोग खुश हो रहे हैं देख देख के, लेकिन ये मेरा सोच थी कि आपको ये मस्जिद का भी एक सर्वे करवाया जाए क्योंकि ये भी एक सबसे पहली मॉस्क है जहाँ पे हम नमाज़ पढ़ने आया करते थे, जिसका दरवाज़ा भी आपको देख के लग रहा होगा कि बिल्कुल ही काफ़ी पुराना सा दरवाज़ा सा बना हुआ है। तो
मस्जिद है यहाँ पे। मुझे नहीं पता कि रमज़ान के दौरान यहाँ पे इफ्तारी और सहरी का तमाम था, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं आया उस वजह से, लेकिन आज जुमे के दिन मैंने इसको कवर किया। अच्छा, तो ये अभी हमारे साथ पिक्चर्स वगैरह पिक्चर लेने चाहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, दे आर माय फ्रेंड थामसी थामसी ओमंदा मुस्लिम फंगियो। मुस्लिम फंगियो, सो देर सिंह ज़्यादातर ये सलाम ही कर सकते हैं। तो पिक्चर लेना चाहते हैं, पिक्चर इनके साथ लेते हैं, फिर आपको बाद में मुलाकात करते हैं। सर, ये यहाँ का बहुत ही कोई मशहूर रेस्टोरेंट है जहाँ पे मुस्लिम खाना मिलता है और काफ़ी सारी चीज़ें मुस्लिम हैं। तो हमने यहाँ से डम्पलिंग्स ऑर्डर किए हैं और डम्पलिंग्स का वेट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे मशहूर वही हैं। थोड़े सूप में डम्पलिंग्स होते हैं, हम चावलों पे डाल के थोड़ा जो है ना उसको पुलाव शाव बना लेते हैं। तो जैसे ही आते हैं फिर आपको। सर, तो ये हमारे चाउजे आ चुके हैं, चाउजे जो है ये डम्पलिंग्स यहाँ पे इसके यहाँ के बहुत मशहूर हैं। और राइस के साथ हम, वैसे लोग तो डायरेक्ट खा जाते हैं, लेकिन हम लोग जो है इसको राइस में यूज़ करेंगे। ये हमें जो है कावा है, जो हमारे गांसुर के फ्रेंड्स हैं उन्होंने दिया है, उनसे भी आपको मिलाते हैं। तो अभी इसको शुरू करते हैं। ये डम्पलिंग्स बेसिकली जो है ना, मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाले हमारे सीनियर खालिद भाई हैं, अभी जो बेसिकली जर्मनी में हैं। अगर वो वीडियो हमारी देख रहे हो तो उनको तो बड़ा ये याद आएगा, क्योंकि वो हमें यहाँ पे लाने वाले, उनकी फेवरेट मोस्टली वो ये वाली, और ये सिर्फ इन डम्पलिंग्स की वजह से थी, और उसी की वजह से सबको ये डम्पलिंग्स का चस्का जा गया था। तो खालिद भाई भी शायद वीडियो देख रहे हो, उसके बाद हम लोगों ने भी यहाँ पे बेतहाशा जो है डम्पलिंग्स वगैरह खाए, तो बड़ा मज़ा आता था। पुरानी यादें ताज़ा होगी, बड़ा बेहतरीन टेस्ट है। सर, ये हमारे दोस्त हैं, दे आर फ्रॉम गांसू, गांसू प्रोविंस है, वहाँ पे भी बहुत सारे मुस्लिम्स होते हैं। तो अभी यहाँ पे हम खाना खा रहे थे, तो इन लोगों ने हमारी, मुझे जो है ये टी प्रेजेंट की तो एज अ जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप जो है, तो बड़ा अच्छा लगा। सो अस्सलाम वालेकुम टू माय फ्रेंड्स। वालेकुम अस्सलाम। तो ये हमारे गुप्लू साहब भाई है, ठीक है ना जी। तो बड़ा अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। तो बस अभी अपना खाना शाना एंजॉय करें, जाने लगे थे, मैंने कहा इनके साथ एक यादगार सी वीडियो बना लें। फ्रेंडशिप का थोड़ा अच्छा बन गया भाई जाने पैसे पे कर दिए, वो शमा नहीं भाई मैदा भाई ने पैसे पे कर दिए, तो अब मान भी नहीं रहे हैं। तो बस यही है सर, ये चाइनीज़ का प्यार है हमारे साथ। तो भाई भी हमारा है, वो भी कहता है मैसे बोल रहा है, अब क्या कर सकते हैं यार। तो इंशाल्लाह चलें इनके साथ रबते में रहेंगे, दोबारा चक्कर लगा तो फिर किसी दिन इनको भी खाना खिलाएंगे अपने साथ बिठा के, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, तो क्या कर सकते हैं, चलें शिष्य। बड़ा अच्छा रहा इस मस्जिद का भी टूर, ठीक है ना। अब ये हो सकता है जब तक ये कंप्लीट हो मैं यहाँ पे ना हूँ, तो मैंने कहा चलें आपको बता दें कि ये इन टोटल चंदू की जो है चार मस्जिदें हैं जो मैंने पूरी कर दी हैं। तीन मैंने रमज़ान में पूरी की थी और एक मैंने आज जुम्मे में कंप्लीट की है। तो सब लोगों को जुम्मा मुबारक, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।